इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ट्रूकॉलर एप्लीकेशन पर सिस्टम मॉडिफाई जो परमिशंस रहती हैं उसको कैसे बंद या फिर चालू कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है ऐप्स, तो ऐप्स को आपको खोल लेना होगा। और यहाँ पर फिर आपको जो है परमिशंस पर जाना होगा, चौथे नंबर पर आपको मिलेगी, तो इसको भी खोल लेना होगा। और यहाँ पर हम रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो बहुत ईजी आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद अदर परमिशंस पर जाना है, फिर आपको ये रही तीसरे नंबर पर, तो इसे खोल लेते हैं। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती है, लेकिन आपको स्क्रॉल करके परमिशंस पर जाना है। और यहाँ पर आपको मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स मिल जाती हैं, 24 एप्लीकेशन इंक्लूड हैं, यहाँ पर इनको खोल लेते हैं हम। खोलने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही ट्रूकॉलर मिल जाती है, तो जैसे आप इस पर टिक करते हैं और इसे डिने करते हैं तो यहाँ पर ये बंद हो जाती है, और इसे आप सेट करके इसे चालू कर लेते हैं तो ये चालू हो जाती है। तो ये प्रोसेस है इसको बंद चालू करने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।